अंगूर का सीज़न आ गया है तो मार्केट से मैं भी बहुत सारे अंगूर लेकर आई। जब मैंने उसे खाया तो वो खट्टे निकले। फिर मैंने सोचा इसकी क्या करूं, तभी दिमाग में आया कि खट्टे अंगूर की दो रेसिपीज़ हैं मेरे पास, एक अंगूर की मीठी चटनी और एक खट्टी चटनी। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कप जितना अंगूर। हम इसे पहले अच्छे से वॉश करेंगे और इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर मेरे अंगूर का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो कुछ अंगूर को मैं यहाँ कट कर देती हूँ। अगर आपके पास छोटे अंगूर हैं तो आप उसे बिना कट किए भी इस चटनी को बना सकते हैं। अंगूर की मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म हो जाए तो यहाँ पर डालेंगे पचफोरन मसाला एक टेबल स्पून के करीब। उसके बाद डालेंगे चुटकी भर हींग, एक टी स्पून कटी हुई अदरक, दो तीन हरी मिर्च और दो लाल मिर्च। इन सभी को हम हल्का भून लेंगे। तो अब बेसिक मसाला हमारा भून गया है, अब इसमें डाल देंगे अंगूर। इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसे ढक्कन लगाकर करीब 5 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ गैस की फ्लेम को लो रखें। तो जब तक अंगूर कुक हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिया है 6 से 7 खजूर और कुछ काजू। अब इस खजूर के बीज निकाल देंगे। अगर आपके पास खजूर नहीं है तो आप छुहाड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। छुहाड़े काफ़ी हार्ड होते हैं तो आप उसे 3 से 4 घंटे के लिए पानी में सोख कर दें और उसके बीज निकाल लें, फिर उसका इस्तेमाल करें। खजूर को हम बस छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो अब अंगूर देख लेते हैं। 5 मिनट के बाद अंगूर अच्छे से पक गए हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा गलाना नहीं है। इसमें पानी का इस्तेमाल भी ना करें क्योंकि अंगूर में खुद का बहुत सारा पानी होता है। फिर इसमें डालेंगे काजू और कश्मीरी लाल मिर्च। इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पर डालेंगे सारे कटे हुए खजूर और 3 टेबलस्पून गुड़। गुड़ को मैंने कद्दूकस कर लिया था और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो मैंने अंगूर लिया है वो बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। अगर आप चटनी बना रहे हैं और आपके अंगूर मीठे हैं तो आप इसी प्रोसेस से बनाएं और इस टाइम में आप इमली का पल्प या अमचूर पाउडर ज़रूर डालें। इसे अच्छे से मिक्स करें और 5 मिनट ढककर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ी पतली लग रही है। हमें चटनी बिल्कुल इसी तरह रखनी है क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होगी ये गाढ़ी होती जाएगी। तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। इसे मिक्स करेंगे और हमारी अंगूर की मीठी चटनी तैयार है। इसे ठंडा करें और पूरी पराठे के साथ सर्व करें। अब दूसरी रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सी का जार और मैं इसमें डाल रही हूँ 4 लहसुन के क्लोव्स। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसकी जगह आप अदरक भी डाल सकते हैं। फिर डाला है मैंने 4 से 5 हरी मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। यहाँ पर डालेंगे हरा धनिया। इसे अच्छे से धोकर डाला है मैंने। अंगूर मेरे बहुत ज़्यादा खट्टे थे इसलिए मैंने थोड़े से ही अंगूर का यूज़ किया है। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे कटोरे में निकाल लें और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला दें। तो अंगूर की खट्टी और चटपटी चटनी बनकर तैयार है। आप इसे पुलाव या पराठे के साथ या फिर किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अंगूर की ये 2 रेसिपी आप सबको कैसी लगी, इसे एक बार ज़रूर बनाएं। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाएं, खेलें और खुश रहें।